अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 21 विच इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, वी हैव लर्न अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम विच वॉज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस। नाउ वी आर गोइंग टू सी द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू मूव फूड मिनरल्स एंड वाटर through their stem, roots and leaves. These are xylem and phylum. दो ट्यूब्स हैं जिसके थ्रू जो है वाटर मिनरल सॉल्ट्स जो हैं रूट से लीफ तक जाते हैं, और फाइलम क्या करता है कि फूड सब्सटेंसेस प्रोवाइड करता है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नाउ वी विल सी द xylem. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ xylem एंड दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ फाइलम। ठीक है, वो आप क्लियरली देख सकते हैं। नाउ xylem. Xylem transport water and minerals from roots to the stem and leaves. ठीक है, वहाँ तक पहुँच जाता है xylem। जो है वो हेलो ट्यूब्स हैं जो कि काफ़ी थिक हैं, स्ट्रॉन्ग सेलुलोज सेल वॉल उनके पास होती है। सेल वॉल जो है वो xylem ट्यूब्स कंटेन सब्सटेंस कॉल्ड लिगेनिन। ठीक है, विच इज़ द सेल स्ट्रॉन्ग एंड गिव स्ट्रक्चरल सपोर्ट, उसको सपोर्ट देता है। ठीक है, xylem ट्यूब्स जो हैं वो डेड सेल्स होते हैं और अरेंज करते हैं उसको एक एंड से दूसरे एंड तक, इन विच द साइटोप्लाज्म जो है वो फिर मर जाता है एंड सेल वॉल बिटवीन एडजेसेंट सेल्स ब्रेक डाउन। ठीक है, जाहिर है जब वो साइटोप्लाज्म उसका डेथ हो गया तो उनकी जाहिर सेल वॉल की भी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, एम्प्टी डेड सेल्स को ट्यूब खाली करने के लिए। दीज हॉलो ट्यूब्स एक्ट एज अ पाइप्स। ठीक है, वो हॉलो ट्यूब्स जो है वो पाइप के थ्रू काम करता है ताकि उसमें वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स जो है वो फ्लो ईजीली हो सके। ठीक है, xylem ट्यूब्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपीरेशन। वो ट्रांसपीरेशन के लिए भी इन्वॉल्व होता है। ट्रांसपीरेशन में आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। द मूवमेंट ऑफ xylem इज इन वन वे। xylem का जो है वो सिर्फ एक वे में काम करता है, फ्रॉम द रूट टू स्टेम्प एंड लीफ। रूट से लेके स्टेम्प या लीफ तक वो जाता है, यानी वो बैक नहीं आता। नाउ phylum. Phylum ट्यूब्स आर vessels are made. ओके, नाउ फाइलम ट्यूब्स। ठीक है, फाइलम ट्यूब्स आर द वेसल्स आर मेड ऑफ द कॉलम्स ऑफ लिविंग सिलिंड्रिकल सेल्स। ठीक है, वो पिक्चर में गिवन है द सेल वॉल बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, वो एक जैसे होते हैं। फाइलम वेसल्स ट्रांसपोर्ट क्या करता है, डिजॉल्व शुगर एंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था कि फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, फूड मॉलिक्यूल्स अप एंड डाउन। अप एंड डाउन मतलब डबल में चल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे आर नीडेड। ठीक है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वहाँ तक वो लेके जाता है। द मूवमेंट ऑफ फूड मटीरियल अप एंड डाउन इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ये ट्रांसलोकेशन को अप एंड डाउन मतलब ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इन प्लांट्स फूड इज ट्रांसफर मेनली इन द फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है, मिनरल्स, बट साइंटिस्ट डू नॉट नो हाउ एग्जैक्टली इट इज़ मूव फ्रॉम लीव्स। वो लीव से पूरे प्लांट तक कैसे पहुँचते हैं वो एग्जैक्टली वो लोग जानते नहीं हैं। इसलिए वो कहते हैं कि फाइलम जो है वो लिविंग सेल्स पे है, जैसे xylem को डेड सेल्स का कहा था, फाइलम का लिविंग सेल्स है, और एनी थिंग जो इसको हार्म करती है वो क्या कहते हैं कि वो प्रोसेस जो है वो ट्रांसलोकेशन में आता है। एनी थिंग डेट हार्म्स द लिविंग सेल्स विल हार्म द प्रोसेस। ठीक है, वो ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस को भी हार्म करेगा। कोई भी चीज़ अगर उस एक चीज़ को डैमेज करेगी तो दूसरे को भी ऑटोमेटिकली उससे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब ये इसका थोड़े से कंपैरिजन दिखाया कि xylem और phylum में क्या है। ट्रांसपीरेशन है, इसमें ट्रांसलोकेशन आ गया। उनके फंक्शन क्या है, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स एंड ट्रांसफर शुगर एंड अमीनो एसिड टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। और स्ट्रक्चर क्या है, मेड ऑफ कॉलम ऑफ होलो और डेड सेल्स, और ये है मेड ऑफ द प्रोफोटेड लिविंग सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे है हमारे पास क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टेम एंड रूट। अब क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करेंगे। द पोजीशन ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स इन विच xylem एंड phylum आर फाउंडेड। ठीक है, xylem और phylum कहाँ पे होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स के अंदर होते हैं। वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में मौजूद होते हैं। xylem सेल्स वॉल्स हैव द लिगेनिन। ठीक है, और विच मेक्स द xylem वेसल्स टफ। ठीक है, वो उसको हार्ड बनाते हैं। वेस्कुलर बंडल्स इन द रूट्स आर इन द सेंटर, वो सेंटर में मौजूद होते हैं। दे हेल्प प्लांट बींग पुल्ड आउट इन द ग्राउंड एंड दे ऑल्सो मूव प्रोटेक्टेड इन द सेंटर। ठीक है, उसको सेंटर में रखने के लिए भी प्रॉपरली वो हेल्प करता है। द स्टेम्प हैज टू रिजिस्ट स्क्वैशिंग एंड बेंडिंग, फिर वो स्क्वैश और बेंड होने से भी उसको प्रोटेक्ट करता है। नियर टू द एज एंड स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट, ये स्ट्रेंथ उसको देता है और सपोर्ट उसको करता है। ठीक है, नाउ
द लास्ट टॉपिक इज ट्रांसपिरेशन. ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या प्रोसेस है? वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ स्पॉन्जी एंड पेलेसाइट सेल इनसाइड द लीव इवेपोरेशन, वो इवेपोरेट होके जाता है. ठीक है, वाटर जो है वो एक स्पॉन्जी सरफेस के ऊपर, वो जो स्पॉन्जी आपको पता है स्पंज की तरह जो होता है, वो क्या करता है? लीव इवेपोरेट करता है, फिर उसको डिफ्यूज आउट करता है लीव थ्रू टाइनी पोर्स जो स्टोमेटा कहलाता है. दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. ठीक है, ये सिंपल है कि ये वाटर सप्लाई करता है बस. अगर हम सिंपल वर्ड्स में इनको बात कर सकते हैं कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन कैन ट्रांसफर वाटर टू द लीव्स. ठीक है, ये लीव्स तक पानी पहुंचाने का काम करता है, विच इज कॉल्ड अ ट्रांसपिरेशन. मोर वाटर इज ड्रॉन आउट ऑफ द जाइलम सेल. जाइलम सेल से जब बाहर निकलता है तो वो क्या होता है? लॉस्ट हो जाता है. द वाटर लीव्स द जाइलम, फिर वो जाइलम को छोड़ देता है. क्रिएशन क्रिएटेड पुल मोर वाटर, फिर अब उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो वो और फिर लेता है रेगुलर फ्लो उसमें क्रिएट करने के लिए. ठीक है, और जब वो रेगुलर क्रिएट कर देता है तो द रेगुलर फ्लो ऑफ मिनरल्स, ठीक है, रूट्स अप टू द स्टेम एंड इन टू द लीव्स, ये क्या है? ये ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम कहलाता है हमारे लिए. फैक्टर्स डेट इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, वो कौन से फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं वो वहाँ पे देखने की बजाय डायरेक्ट हम यहीं से एक्सप्लेन टेबल में देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से फैक्टर्स है. लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी एंड विंड. लाइट क्या है? कैन इंक्रीज द ब्राइट लाइट. द स्टोमेटा ओपन वाइडर टू अलाउ मोर कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स फॉर द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, वो इवेपोरेशन का प्रोसेस आ जाता है इसके अंदर. अब टेम्परेचर क्या है? इंक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर. हायर टेम्परेचर पे वो इंक्रीज हो जाता है. इवेपोरेशन एंड डिफ्यूजन इंक्रीजेस एट हाई टेम्परेचर. ह्यूमिडिटी, ट्रांसपिरेशन स्लो डाउन. ठीक है, अब ये स्लो डाउन होती है. डिफ्यूजन ऑफ वाटर एंड आउट ऑफ द लीव स्लोस डाउन इफ देयर मॉइस्ट एयर अराउंड. अच्छा, वहाँ पे भी कोई भी थोड़ा सा अगर गीला गीला होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब है क्या है? नमी मौजूद जो होती है. विंड, ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस. जाहिर है जितनी विंड होगी उतनी ट्रांसपिरेशन जो है वो इंक्रीज होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आपका यूनिट एंड हो चुका है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अनदर यूनिट, बट बिफोर दैट वी विल डू द एक्सरसाइज. ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स हम इसके करेंगे. आई होप आपको पूरा यूनिट क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर.